ये देखिए चाइना का लॉटरी सेंटर, ये देखिए कितना मस्त है ये। यहाँ पर सोविनियर शॉप, मंदिर है। आपको यहाँ पर काफी लोगों के पास बड़े बड़े सूटकेसेस दिखेंगे। मैं हूं दीप्ति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आजकल मैं गोंजाओ के व्लॉग्स बना रही हूं, तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं इस व्लॉग को। सबसे पहले मैं आज आपको एक शॉपिंग स्ट्रीट पर लेके जाने वाली हूं, मगर उससे पहले अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको रोड्स पर यहाँ पर काफ़ी सारे कलरफुल टैक्सेस दिखेंगे, ब्लू कलर ग्रीन कलर में। और ये जो टैक्सेस है उनके ऊपर अगर आप देखेंगे तो शार्क फिन की तरह एक फिन भी लगा हुआ है। अगर आपको कलर्स पसंद है मेरी तरह तो आपको यहाँ के कलरफुल टैक्सेस भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो अभी हम बीजिंग लो ये वाले स्ट्रीट पर आए हैं, यहाँ पर कुछ शॉपिंग के लिए है तो वही देखने आए हैं हम लोग। तो देखते हैं अब यहाँ पर क्या क्या है। ये गोंजाओ की हॉप ऑन हॉप ऑफ साइट सीइंग बस, आप इस बस में बैठ के भी पूरा गोंजाओ घूम सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, कितना बड़ा पेड़ रखा है उन्होंने ये, मतलब मैंने काफ़ी जगह पे देखे हैं। हाँ ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स CNY के लिए, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस मनी ट्री बनाया है, टाइगर है, सारे रेड पैकेट्स है, वाओ। ये बडवाइजर का है रे, देखिए कितना मस्त है ये। हाँ ये देखिए इलेक्ट्रिक बसेस, अभी किस तरफ जाना है हमको। यहाँ पे ऐसे काफी मॉडर्न आर्किटेक्चर टाइप है ना, ये पुराना सिटी का स्पॉट है। हाँ मतलब क्या बोल रहे हैं इसको, थोड़ा यूरोपियन स्टाइल नहीं लग रहा है ये। वो वाला रेस्टोरेंट जो है वो देखो ना, ग्रीन कलर का, वो वैसे ही है। यहाँ पर उस हिसाब से काफी क्राउड है ना, कैंटन टावर से ज़्यादा। यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही क्राउड लग रहा है, कैंटन टावर से भी ज्यादा लग रहा है। ये बॉस से नहीं कर, यहाँ पर सेल लगा है। ओ यहाँ पर एक कुछ स्क्वायर भी दिख रहा है। यार दोनों तरफ फ्लैग्स भी लगाया देखो इनके, ये चाइनीज़ न्यू ईयर के। आई थिंक सब लोग अब यहाँ पर, ये सारा एरिया बीजिंग लो है। हम ऐसे सीधा चलते हैं, क्योंकि अभी चाइनीज़ न्यू ईयर है, सब लोग यहाँ शॉपिंग मोड में है, इसलिए स्ट्रीट पर एक्चुअली काफ़ी रश है। सब जगह पे यहाँ पे लोग ही लग रहे हैं। हम सुबह कैंटन टावर वगैरह गए थे, वहाँ पे मतलब थोड़े थे लोग, इतना क्राउड नहीं था कैंटन टावर पे वगैरह। उस हिसाब से यहाँ पे मुझे बहुत क्राउड लग रहा है सब। हाँ और सब जगह पे सेल चल रहा है और लोग कुछ ना कुछ ले ही रहे हैं, ऑब्वियसली उनका फेस्टिवल है। ये देखिए चाइना का लॉटरी सेंटर, यहाँ पे भी लोग बहुत लॉटरी लेते हैं। तुम क्या लॉटरी लेने जा रहे हो? तुमको ट्राई करना है क्या? अरे संदीप वहाँ पे एक और है लॉटरी का बूथ। फेस्टिवल के टाइम पे सब लोग अपना लक ट्राई कर रहे हैं। हम भी ट्राई करें क्या? चेक कर सकते हैं, बट नॉट श्योर कैसे है। नहीं नहीं छोड़ो, वी आर ऑलरेडी लकी। आगे कुछ स्क्वायर दिख रहा है, वो देखते क्या है। यहाँ पर सोविनियर शॉप है, वहाँ पर चल के देखते हैं। यहाँ के मैं आपको चाइनीज सोविनियर्स दिखाती हूँ। ये छोटा सा ही शॉप है मगर बहुत क्राउडेड है, और इस छोटी सी जगह में ही आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं और हर तरफ बस कलर्स ही कलर्स है। ये है पॉट पॉटरी,
इस तरफ है कुछ क्यूट से बुद्धा के स्टैचूज। ओ बहुत ही क्यूट है ये। इस बुद्धा के हाथ में तो हार्ट है और ऊपर कुछ बड़े वाले हैं बुद्धास, आई मीन बुद्धा के स्टैचूज। इस वाले शेल्फ में तो सारे बुद्धास के ही स्टैचूज रखे हुए हैं और बहुत ही प्यारे हैं ये। और नीचे उससे भी छोटे वाले, ये आई थिंक साइज के अकॉर्डिंग उन्होंने रखा है। और यहाँ पर ऊपर ये जो विंड चिम्स है इनकी आवाज़ बहुत है। एक्चुअली यहाँ पर गाने चल रहे थे पीछे चाइनीज, तो इसलिए मुझे कॉपीराइट इशू आ रहा था, इसलिए मैं सारा कुछ वॉइस ओवर डाल रही हूँ अभी। ये है कुछ अगेन बहुत क्यूट स्टैचूज है छोटे छोटे। और इस तरफ है कुछ लकड़ी से बने हुए किचन्स। और ये ज्वेलरीज ही है कपड़े से बनाए हुए हैं, ये भी जब डालते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। और ऊपर कुछ बहुत ही कलरफुल वॉल हैंगिंग्स, आप ये एक वॉल हैंगिंग लगा दो रूम में बस कलर्स ही कलर्स लगेंगे, बहुत अच्छा है वो। और यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे से फेरीज के स्टाइल में कुछ डॉल्स हैं, और ये चाइनीज ब्राइड्स आई थिंक उनके वो डॉल्स हैं रेड कलर के जो थे वो। और फिर यहाँ तो बस वो कुछ कॉमन आइटम्स हैं जैसे कि कुछ कोम, की चेन्स एंड पेन वगैरह, ये सारे लकड़ी से ही बनाए हुए हैं एंड सबके ऊपर कुछ अपना यूनिक सा चाइनीज स्टाइल का कुछ डिज़ाइन है। हम घर जाते हैं तब काफ़ी सारे ऐसे सोवनियर्स लेते रहते हैं गिफ्ट्स देने के लिए वगैरह, एंड ये मिरर्स वगैरह तो बहुत कॉमन टाइप के सोवनियर्स है, आई थिंक हर जगह पर मिलते रहते हैं। अपने अपने कंट्रीज में हर एक का एक स्टाइल होता है। फिर यहाँ पर कुछ इनके कप्स, और यहाँ पर है ये बहुत ही ज्यादा सुंदर बहुत ही क्यूट ऐसे चाइनीज ट्रेडिशनल डॉल्स। तो गाइज आपको इस शॉप में कौन से सोवेनियर्स अच्छे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अभी मैं अभी और भी आगे आपको दिखाऊंगी, बट आप मुझे बताना कि आपको इन सारे सोवेनियर्स में मैं जो दिखा रही हूँ कौन सा अच्छा लगा, प्लीज मुझे कमेंट करिए और बताइए। और यहाँ पर कुछ बड़े बड़े लकी कैट्स, जस्ट लाइक नेम सजेस्ट, ये जो कैट्स होते हैं वो कहते हैं कि वो लक लेके आते हैं, इसलिए इनको लकी कैट्स कहते हैं। और यहाँ पर ये बहुत सारे बूट्स थे, उनके ऊपर कुछ वो कैरेक्टर्स भी लिखे थे, आप चाहो तो इनसे ही ऑब्वियसली भी बना के ले सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर बूट्स रखे थे उन्होंने। और आगे बार से कोई उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट जो है उनके लिए स्ट्रक्चर्स रखे हैं यहाँ पर। और ज्वेलरीज ना हो ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस थे आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था विद दैट रिंग। वैसे तो कॉमन डिज़ाइन है बट फिर भी बहुत अच्छा लगता है वो, आई थिंक कुछ ऐसे स्टाइल से ये जो रिंग आप चेन में डालते हो इट नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल। एक और चीज़ जो मुझे आपको दिखानी है वो है ये बैग्स, ये देखिए इसमें कितने मस्त एनिमल के शेप में इन्होंने ये बैग्स बनाए हैं, मंकी, आउल, एलिफेंट, इन सारों के शेप में ये बैग्स बनाए हुए हैं। ये आई गेस छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट होगा। मुझे इस सोवेनियर शॉप में ये जो बैग्स थे इनके डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगे, आई गेस मुझे ये वाला जो आइटम है ये अच्छा लगा। मैं भी जब घर जाऊंगी तब मैं सोचूंगी इनमें से कुछ लेने के लिए। देखिए यहाँ पर ये चाइनीज न्यू ईयर का इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पर टाइगर का,
फोटोज निकाल रहे हैं। और यहाँ पर ये बहुत सुंदर ये डाफू टेम्पल है, यहाँ भी चलते हैं। तो डाफू टेम्पल ये गोंजाओ का हजारों साल पुराना मंदिर है और ये गोंजाओ के पांच बड़े मंदिरों में से एक मंदिर है। ये मंदिर आप देखेंगे तो कितना सुंदर है, ये सब मैं आपको फिलहाल दिखा रही हूँ, ये बाहर से ही है, अंदर से भी दिखाने की कोशिश करूँगी आपको। अगर पहले मैं आपको बाहर से ही थोड़ा दिखा देती हूँ, थोड़ा पास से दिखाती हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि यहाँ पर इतना अच्छा काम किया है। ये वुडन कार्विंग्स मंदिर को एक्चुअली एक बहुत ही अलग लुक देता है और ये मंदिर बहुत ही आकर्षक लगता है उसकी वजह से। मंदिर के सामने ये कुछ स्टोन वर्क किए हुए एक दीवार भी है, चाइनीज स्टाइल की पेंटिंग निकाली है उसके ऊपर। सॉरी गाइज, यहाँ पर एक्चुअली वो लोग क्यूआर कोड कोई और ही है इनका और हम सेंजन से है, यहाँ पर वो लोग कुछ गोंजाओ का एड्रेस मांग रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की थी होटल का एड्रेस दे के रजिस्टर करने की, बट वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है और वो लोग हमें अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। तो मैं चाहते हुए भी आपको अंदर से नहीं दिखा पा रही हूँ ये मंदिर। हम खुद भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड है कि यहाँ तक आए और मंदिर में नहीं जा पाए, बट गोंजाओ हम आते रहते हैं तो अगली बार जब मैं आऊँगी तब मैं कोशिश करूँगी यहाँ पर आऊँ और आपको अंदर से भी दिखाऊँ। होपफुली तब सब कुछ नॉर्मल हो गया होगा और ये इन क्यूआर कोड का यहाँ पर कुछ यू नो इश्यूज नहीं होंगे। तो गोंजाओ में कहीं भी घूमना बहुत आसान है क्योंकि यहाँ के जो मेट्रोज है उनसे यहाँ पर भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। लाइक हम कैंटन टावर गए थे, वहाँ पर भी आप स्टेशन से बाहर निकलो और कैंटन टावर आपको दिखेगा, यहाँ पर भी आप स्टेशन से बाहर निकलो और आपको ये बीजिंग रोड आ जाएगा। तो अभी मैं आपको थोड़ा मेट्रो का दिखा देती हूँ। वैसे तो यहाँ के जो मेट्रोज हैं वो मुझे काफ़ी कलरफुल लगे, एक्चुअली स्टेशन वगैरह भी जो थे काफ़ी कलरफुल जैसे लग रहे थे। और यहाँ पे आपको मेट्रो में टिकट वगैरह यहाँ पर निकालते बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए हो तो आप वी चैट से इनकी गोंजाओ के ऐप का गोंजाओ का एपीपी जो है वो डाउनलोड कर लीजिए और उससे आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। अभी हम मेट्रो की तरफ ही जा रहे हैं तो मैं वहाँ पर आपको दिखाऊँगी ये कौन सा ऐप आपको डाउनलोड करना है और आप फ़ोन के थ्रू एक्चुअली बहुत इजीली यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। सिर्फ गोंजाओ में ही नहीं, सेंजन में भी, लाइक मोस्ट ऑफ द सिटीज इन चाइना आपके पास अगर एपीपी है उस सिटी का तो आप आराम से मेट्रो से ट्रैवल कर सकते हो। बहुत कन्वीनियंट होता है चाइना में मेट्रो के थ्रू ट्रैवल करना। ऑन द वे यहाँ पर ये फूड स्ट्रीट है बट अभी हम खा के आए हैं, आपने पिछला व्लॉग देखा ही होगा, माडो का टर्किश रेस्टोरेंट जहाँ पर हमने बहुत ही अमेजिंग आइसक्रीम और टर्किश फूड खाया था। तो इसलिए अब हम यहाँ पर खाएंगे नहीं बट मैं आपको बस जाते जाते दिखा देती हूँ बिकॉज बिल्कुल भी भूख नहीं है कुछ खाने की। तो बस चलते चलते देखते हैं थोड़ा इनका लोकल फूड। ये देखिए कोकोनट में इन्होंने कैसे ये डेजर्ट्स वो लोग सर्व कर रहे हैं। यहाँ पर ये लोग शॉप के बाहर ही स्टूल्स वगैरह डाल के बैठे हैं खाते हुए। तो आप जब भी मेट्रो में जाएंगे तो आपके पास अगर ये एपीपी है तो आप पूरा गोंजाओ आराम से घूम सकते हो या अपने आप वी चैट में से आपके अकाउंट में से पैसे कट कर लेगा। बस ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और पूरा गोंजाओ घूम लीजिए। अब मेट्रो के एंट्रेंस में मैं ये कोड स्कैन करूँगी। चलते हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। Thank you.
आपको यहाँ पर काफ़ी लोगों के पास बड़े बड़े सूटकेसेस दिखेंगे, क्योंकि ये लोग चाइनीज़ न्यू ईयर में अपने घर जाते हैं, तो सब लोग बस अपने घर ही जाने की तरफ हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर बस 2 दिन में शुरू हो रहा है। A few moments later. बस अब हमारा स्टेशन आ ही गया है। अब मैं यही ऐप यूज़ करके एग्ज़िट करूँगी मेट्रो स्टेशन से, और यहाँ हम जैसे ही अपना स्कोर स्कैन करके बाहर निकलेंगे, उसी वक्त आपके एपीपी पे आ जाएगा कि इसने कितने पैसे डिडक्ट कर दिए हैं आपके ट्रैवल के लिए। आ जाएगा इमीडिएटली कितने डले पैसे। 3 RMB लिया उसने। काफ़ी सारे मशीन्स भी हैं, आप यहाँ से भी टिकट, आप चाहो तो यहाँ से टिकट पास ले सकते हो। तो अब काफ़ी टाइम हो चुका है और हम भी दिन भर घूम कर बहुत थक गए हैं, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मगर आई होप आपको मेरे ये गोंजाओ के वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, और अगर आपने मेरे गोंजाओ के पिछले व्लॉग्स नहीं चेक किए हैं तो प्लीज़ उन्हें चेक कर लेना, मैंने स्क्रीन पर लिंक कर दिया है। और अगर आपको इस व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा होगा गाइस, तो प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग।